भारत माता की। आमार प्रियो माँ भाई दादा दीदी एवं बोने देर सादर नमस्कार जानाई। मेरो प्यारो आमा बाबा दाजू भाई दीदी बहनी सबै लाई ढेरो ढेरो नमस्कार। मोर प्यारा माय बाप दादा भाई दीदी बहन सब कोई के नमस्कार। चाय बागान में काम करने वाले सभी परिवारजनों को भी इस चाय वाले का प्रणाम। मैं जब भी नॉर्थ बंगाल आया हूं तो आप सभी की तरफ से भरपूर आशीर्वाद मिला है। विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें बेटियों की तरफ से जो स्नेह मिलता है वो अद्भुत है। यहां तो जलपाईगुड़ी कुछ बिहार अलीपुर द्वार उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा तक के अनेक साथी यहां आए हैं। अपने परिवार के लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। आज सुबह मैं काजीरंगा में था, फिर अरुणाचल गया, फिर आसाम में कार्यक्रम किया, फिर यहां आया हूं और यहां से अभी काशी जा रहा हूं। और यहां रास्ते में 12 किलोमीटर का रोड शो जो प्लान किया हुआ नहीं था अचानक, और उनके सम्मान में मैं जरा गाड़ी धीरे चला रहा था और उसके कारण मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ, आप सबको दिक्कत हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं यहां कई बार आया हूं, इसी मैदान में कई बार आया हूं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं उधर वो रोड भी पूरा भरा पड़ा है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और जब यहां आते हैं ना तो एक प्रकार से मिनी भारत के दर्शन होते हैं, लघु भारत नजर आता है। जितनी विविधता जितनी वाइब्रेंसी इस क्षेत्र में दिखती है वैसी कम ही जगह पर नजर आती है। साथियों, मैं जिस तरह का जीवन जीकर यहां आया हूं, मैंने देश की अनेकों माताओं को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए देखा है, और इसीलिए मैं शौचालय नल से जल मुफ्त बिजली कनेक्शन बैंक का खाता प्रेगनेंसी के समय आर्थिक मदद ऐसी हर बात पर ध्यान रखता हूं, जोर दे रहा हूं। और मेरी हर माता बहन के जीवन हर गरीब परिवार का जीवन सरल हो इसके लिए मैं कोशिश करता हूं। और हमारा ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो हमारे चाय बागानों और चाय श्रमिकों का क्षेत्र है, यहां पानी और लकड़ी का प्रबंध करने में
कितनी मुसीबत हमारी बहनों को झेलनी पड़ती थी, ये समस्याएं सबको दिखती थी। लेकिन पहले लेफ्ट ने आपकी नहीं सुनी और फिर टीएमसी ने भी आपको नजरअंदाज कर दिया। ये तो गरीबों की जमीन हड़पने में जुटे थे, इसलिए जब आपने मुझे अवसर दिया तो मैंने यही सुविधाएं अपने परिवार के आप सभी सदस्यों को पहुंचाई है। अब देखिए, हमने बहनों के उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार 14 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन भी नहीं देने दे रही। बीते कुछ समय में हमने उज्ज्वला की करोड़ों बहनों के लिए गैस सिलेंडर बहुत सस्ता किया। कल महिला दिवस पर बहनों के लिए एक और फैसला हमने लिया है, अब सभी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 100 रुपये और सस्ता हो जाएगा। साथियों, जो परिवार का सदस्य होता है वो आपके सुख दुख का भी साथी होता है। मैं जानता हूं कोरोना के दौरान मेरे गरीब परिवार कितनी बड़ी चिंता से घिरे हुए थे, इसलिए मोदी ने देश के अपने परिवारजनों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। क्योंकि मेरा मकसद यही था, किसी भी गरीब का बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए, किसी गरीब का घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। और अब इस योजना को, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, और इसका बहुत बड़ा लाभ चाय बागान में काम करने वाले हमारे श्रमिक साथियों को मिलेगा। लेकिन साथियों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, इनका जो इंडी गठबंधन आपको मुफ्त राशन देने का भी विरोध कर रहा है। यहां बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। मोदी ने अपने गरीब परिवारों को राशन के साथ साथ मुफ्त इलाज की गारंटी भी दी है, लेकिन भ्रष्ट और गरीब विरोधी टीएमसी सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू ही नहीं कर रही है। टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। मोदी मनरेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेजता है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार ने अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बना करके लोगों को दे दिए। मोदी गरीब के घर के लिए पैसा भेजता है तो टीएमसी सरकार तोलेबाजों के चुने लोगों को
आपका पैसा दे देती है, टीएमसी को आपकी तकलीफ से, आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। और साथियों, नॉर्थ बंगाल के साथ तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के इंडी गठबंधन ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। इन लोगों ने इस क्षेत्र को विकास से तो वंचित रखा ही है, समाज के भीतर भी खाई पैदा की। लेकिन भाजपा के लिए एक एक गोरखा का उत्साह, एक एक राजवंशी का साहस, एक एक आदिवासी की दृढ़ता और हर बंगालियों की रचनात्मकता, यही विकसित बंगाल से विकसित भारत के निर्माण की एक ऊर्जा है। भाजपा शांति और सौहार्द से हर आकांक्षा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके हल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया। हमारे गोरखा भाई बहनों की जो समस्याएं रही है, जो चुनौतियां रही है, उनके प्रति भी बीजेपी हमेशा संवेदनशील रही है। बीजेपी ने आपकी चिंताओं को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। अब भी हम समाधान के नजदीक है। बीजेपी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। साथियों, भाजपा के पास नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप है। हम यहां टी, टूरिज्म और टिम्बर से इससे जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने में जुटे हैं। इसके लिए यहां जरूरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। कम क्षेत्र में चाय उगाने वाले बंगाल के करीब 40,000 छोटे टी ग्रोवर्स का हित भी भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा ने, एनडीए ने छोटे टी ग्रोवर्स को
किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। भाजपा ने छोटे टी ग्रोवर्स को पीएम फसल बीमा योजना के लाभ से जोड़ा। भाजपा सरकार ने यहां छोटे टी ग्रोवर्स को सिंचाई की सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद की। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खाते में जाए, हमने इस दिशा में भी लगातार काम किया है। साथियों, गरीबों के लिए निरंतर काम की वजह से भाजपा सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूछता है। मोदी हर गरीब के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रहा है, लेकिन ये बात उन परिवारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शीर्ष पर रखने के लिए साजिशें करते हैं। ये टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट का इंडी गठबंधन भी तो यही करता है। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है, एनडीए का गठबंधन है। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, देश का जन जन कह रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। मुझे किसी के लिए भी कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ना है, कोई बंगला गाड़ी नहीं छोड़ दी है। मुझे तो संतोष तभी होता है जब आप जैसे मेरे परिवार के सदस्य को मैं पक्के घर में सारी सहूलियत के साथ जीवन जीते देखता हूं। साथियों, भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां रेल, रोड जैसी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में उसके चौड़े हाईवे और यहां बाईपास बनने से आना जाना और आसान होगा। आज नॉर्थ बंगाल की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। हर किसी को इच्छा है कि यहां से आधुनिक ट्रेनें चलें। आने वाले 5 वर्षों में यहां की आधुनिक कनेक्टिविटी नई बुलंदी पर पहुंचने वाली है। साथियों, किसानों का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। 2 दिन पहले ही जूट किसानों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जूट का समर्थन मूल्य
285 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इससे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ ईस्ट के लाखों जूट किसानों को लाभ होगा। 10 वर्ष पहले जूट का एमएसपी 2400 रुपये था और आज ये 5300 रुपये यानी 2 गुने से भी अधिक हो चुका है। किसान हो, नौजवान हो, नारी शक्ति हो, गरीब हो, ये विकसित भारत के मजबूत स्तंभ है। इसलिए मोदी की हर गारंटी इन सभी को सशक्त करने के लिए है। तभी आज देश कह रहा है, गांव गांव से आवाज उठ रही है, बंगाल के कोने कोने से आवाज उठ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार। और आप याद रखिएगा, गरीब विरोधी, दलित आदिवासी महिला विरोधी, टीएमसी को हटाने का दरवाजा लोकसभा चुनाव से खुलेगा। इसलिए नॉर्थ बंगाल की सभी लोकसभा सीट, सभी पोलिंग बूथ, हर एक जगह पे कमल खिलना चाहिए। खिलेगा ना। मेरा एक काम और आपको करना है। आप करेंगे मेरा एक काम? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप घर घर जाकर कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। इतना मेरा काम कर देंगे? देखिए, हमारा संकल्प है विकसित भारत होना चाहिए ना, भारत विकसित होना चाहिए ना, उसके लिए बंगाल भी विकसित होना चाहिए ना। तो विकसित भारत के संकल्प के लिए आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और विकसित भारत के संकल्प को आप सब प्रकट कीजिए। आपके मोबाइल फोन जो वहां ऊपर रोड पे खड़े हैं वो भी निकालें। सबके मोबाइल फोन, हर एक फ्लैश लाइट चालू करके, ये विकास का संकल्प है, ये विकसित भारत का संकल्प है, ये विकसित बंगाल का संकल्प है। हम आन बान शान के साथ भारत को विकसित बनाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।